रिविजन क्लास क्लास 10th मैथ्स प्रश्न 15। रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा? हल या मूलधन पी इक्वल टू 50 रुपये, एन इक्वल टू 12 गुणित 5 इक्वल टू 60, आर इक्वल टू 5%। इसलिए ब्याज आई इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2। आई इक्वल टू 50 गुणित 5 बटा 100 गुणित 1/12 इंटू 60 इंटू 60 प्लस 1/2। 50 गुणित 5 बटा 100 गुणित 1/12 गुणित 60 गुणित 61/2। 5/2 गुणित 5 गुणित 61/2 आई इक्वल टू 25 गुणित 61/4 बराबर 381.25 रुपये। रोहन से प्राप्त धन 50 गुणित 60 प्लस 381.25 बराबर 3000 प्लस 381.25 3381.25। अथवा राम ने बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज 6 महीने संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? हल यहाँ पी इक्वल टू 40,000, समय एन इक्वल टू 1 वर्ष 2-6 महीने तथा आर 10% वार्षिक 5% तिमाही। सावधि जमा खाता के लिए मेष धन ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 पूरी की पावर एन 40,000 इंटू 1 + 5/100 का स्क्वायर 40,000 इंटू 1 + 1/20 का होल स्क्वायर 40,000 गुणित 21/20 का होल स्क्वायर 40,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20 100 गुणित 21 गुणित 21 बराबर 100 गुणित 441 इज इक्वल टू 44,100 रुपये। राम को 1 वर्ष पश्चात 44,100 रुपये धनराशि प्राप्त होगी। प्रश्न 16। 4 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचिए एवं रचना पद लिखिए। हल रचना के पद, पहला सर्वोत्तम आधार बी से 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, दूसरा प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं, तीसरा बी से ए को तथा सी से ए को मिलाया, यही अभीष्ट समबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ जिसमें ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू ए सी इजक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चौथा, भुजा बी सी तथा भुजा ए बी का प्रकार की सहायता से लमसम द्विभाजक खींचा जिनका प्रतिबिंब प्रतिच्छेद बिंदु ओ प्राप्त हुआ, यही समबाहु त्रिभुज का केंद्र है। पांचवा, केंद्र ओ से बी तक की दूरी का चाप लेकर तथा ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाता है। प्रश्न छठवां, यही समबाहु त्रिभुज ए बी सी का अभीष्ट परिगत वृत्त है।